चलो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि हम लोग कैरेस ट्यूब में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ले रहे हैं एक्स, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं सोडियम परऑक्साइड से, और एक फॉर्म कर रहे हैं मिनरल सीड वाई जिसको हम डालेंगे BaCl2 में, तो PBT फॉर्म कर रहा है जेड, जेड को यूज करते हैं फॉर क्वांटिटी एस्टिमेशन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट। तो ध्यान देना, तो आपसे बोला एक्स क्या हो सकता है, तो ध्यान देना इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं BaCl2 का यूज कहाँ लोग करते हैं बच्चे लोग, तो BaCl2 का यूज से बनता है BaCl4 का वाइट PPT, यानी आपको हिंट मिल रहा है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, सल्फर होगा। अब ध्यान देना, तो आपको देखना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसमें सल्फर किस में होगा, तो ध्यान देना मिथियोनाइन जो लिखा हुआ है ये आपका अमीनो एसिड होता है, इसमें आपका क्या होता है बच्चे लोग, सल्फर मौजूद होता है, ये कुछ ऐसा होता है। तो सल्फर के कारण ये टेस्ट देगा, ठीक है बच्चे लोग, ये था इसका करेक्ट आंसर। हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।